नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। पेन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ का हिस्सा है। पेन इज समथिंग विच वी हैव टू डील विद इन डे टू डे लाइफ। एक पेन है फिज़िकल, एक पेन है मेंटल। फिज़िकल पेन से भी ज़्यादा जो है, जो तंग करता है, वो है मेंटल पेन, विच लीड्स टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और अगर हम पेन को देखें तो पेन की जो जड़ है वो मोस्टली इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आर डीप अनकॉन्शियस। जो पेन की जो जड़ है वो है हमारे डीप अनकॉन्शियस से जुड़ी हुई है। जो भी हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर हमारा पास में रहा है, उसके वजह से जो है देर इज़ पेन विच कम्स इन टू आर लाइफ, समथिंग विच इज़ नॉट एड्रेस्ड, समथिंग विच यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ, बिकॉज ऑफ विच द पेन ट्रबल्स अस नाउ। तो आज का जो कार्ड है वो पेन के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, जो आज हम कार्ड डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। इट्स वन ऑफ द पेनफुल कार्ड्स, इट्स वन ऑफ द डार्क कार्ड्स ऑफ टैरो। इट्स नॉट अ हैप्पी कार्ड। दिस इज़ अ कार्ड यू नो विच गिव्स यू नाइटमेयर्स, विच गिव्स यू ट्रबल्स, सो इट इज़ नॉट एन ईजी कार्ड टू डील विद। नाइन ऑफ सॉर्ड्स में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स होंगे पेन, अनकॉन्शियस, स्ट्रेस, टू मच टू हैंडल, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिस्पेयर, नाइटमेयर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये सब कीवर्ड्स जो हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स से जुड़े हुए हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स में हम देखते हैं ये फिगर जो है एक बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शो की गई है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी फेस को कवर कर रखा है, एज इफ इट इज़ टेलिंग अस अ सिचुएशन यू नो लाइक विच ही कांट फेस, विच दिस पर्सन कांट फेस, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर। और अगर हम फिगर को देखें तो ऐसा लगता है देख के कि ये अभी अभी जो है एक डरावने सपने से जागी है, और वो सपना जो है अभी भी जो है तंग कर रहा है। चाहे वो जाग गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सपना अभी भी जो है वो विजिबल है। वो जो पीछे जो नाइन शॉर्ट्स शो करती हैं वो उस सपने की जो है उस एंग्जाइटी की जो है वो सबूत है कि दैट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट। ये जो बेड है अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट लुक्स मोर लाइक अ कॉफिन, क्योंकि जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम पेन में होते हैं, हम ऑलमोस्ट जो है अपने डेथ बेड पर ही हैं, हम अपने कॉफिन के अंदर ही लेटे हुए हैं। वो लाइफ जिसके अंदर जो है देर इज़ लाइक ऑलवेज दिस पेन विच इज़ अटैच्ड, देर इज ऑलवेज दिस स्ट्रेस विच इज़ अटैच्ड, डिप्रेशन विच इज़ अटैच्ड, वो कहीं ना कहीं हमें कॉफिन में ही लेके जाता है। वो हम कहते हैं ना चिंता चिता समान। ये एग्जैक्टली जो है ये जो फिगर है वो ये हमें यही बता रही है कि जो चिंता है वो चिता समान है। अगर आप बेड की कार्विंग देखेंगे तो बेड की कार्विंग में आपको दिखेगा कि लाइक टू पीपल आर फाइटिंग एंड वन इज़ बींग डिफीटेड। तो जो सपना है वो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है, लाइक देर इज़ अ काइंड ऑफ अ बैटल, देर इज़ अ काइंड ऑफ यू नो अ थॉट प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन, विच इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ पेन टू दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई बुरा सपना अगर आपने देखा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बुरा सपना देख रहे हैं और आप जाग गए तब भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे, दैट इज़ द लेवल ऑफ पेन that the dream has gone but still you are not coming out of it। और अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लाइक ही इज़ नॉट रेडी टू फेस द फ्यूचर। वो फ्यूचर फेस नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से जो है उसका जो प्रेजेंट है वो ख़राब हो गया। एक स्ट्रेस हो गया है बहुत स्ट्रॉन्ग कि भाई एक सिचुएशन है जिसको वो डील नहीं कर पा रहा है, और सिचुएशन जो है वो आगे होने वाली है, वो अभी हो ही नहीं है, बट स्ट्रेस अभी से आ गया। और मोस्टली हमारी प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं अभी फ्यूचर में आएंगी, अभी आई नहीं है, और प्रॉब्लम्स आने से पहले ही जो है हम कहीं ना कहीं मर जाते हैं। अगर आप डेथ का प्रोसेस देखें, डेथ के प्रोसेस के अंदर, डेथ के आने से पहले ही हमारा जो मैकेनिज्म है हमारे माइंड का, वो हमें बेहोश कर देता है।
ताकि आपको डेथ को देखना ही ना पड़े। हम कहीं ना कहीं दुबक के भाग जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं जैसे ही डेथ का प्रोसेस जो है आपके साथ जो है घटना शुरू होता है। हिम्मत ही नहीं होती, फेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो डर है वो इतना प्रगाढ़ है, वो डर इतना बड़ा है कि वो आपको जो है उस डेथ को फेस ही नहीं करने देता। और अगर आप गुरु की बात सुनेंगे तो गुरु कहते हैं कि अगर आपने डेथ को फेस टू फेस देख लिया तो आपका फियर चला जाएगा, क्योंकि गुरु कहते हैं डेथ के अंदर जो है फियर नहीं होता। गुरु कहते हैं कि डेथ इज़ नॉट पेनफुल, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज टू सी फेस टू फेस, कन्फ्रंट द डेथ। और जैसे ही अगर आप अपनी मृत्यु को देख लेते हैं, आप मृत्यु से जो है मुक्त हो जाते हैं। नाइन ऑफ कार्ड एक और सिचुएशन शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट कर लिया है। और वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज इज यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। आपने बहुत ज़्यादा अपने साथ एक्सपेक्टेशन रख ली है, उस एक्सपेक्टेशन रखने के कारण जो है आपको पेन हो रहा है। एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस सिचुएशन इज टू वेरी लविंगली स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर पेन एंड स्टार्ट रिलीजिंग इट। अगर आप इसी प्रोसेस में रहेंगे कि उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो और कुछ नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है, जो कार्ड है, वो रिलेटेड है आपकी साइकोलॉजी से, वो रिलेटेड है आपके माइंड से, आपकी स्टेट ऑफ माइंड से जो कि इस कार्ड में शो कर रही है। एंड द मेंटल स्टेट विच इज़ शोन इन दिस कार्ड इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। हम नाइन ऑफ सॉर्ड्स को जो है थ्री ऑफ सॉर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड के अंदर जो है हम देखते हैं लाइक थ्री सॉर्ड्स आर क्रशिंग आवर हार्ट। और थ्री ऑफ सॉर्ड के अंदर जो है एक मैसेज आता है, वो ये कि एक्सेप्ट द पेन, लेट दिस सॉर्ड यू नो किल योर हार्ट सो दैट यू कैन हैव अ न्यू बर्थ, सो दैट यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग। और अगर तो आप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लें तो आप नए व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने थ्री ऑफ सॉर्ड्स के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करा तो इट रिजल्ट्स इन नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि वही पेन जो है तीन गुना होके जो है वो अब नाइन ऑफ सॉर्ड में जो है वो शो कर रहा है। थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन। सो वॉट हैज हैपेंड इज कि वो जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का जो पेन था वो तीन टाइम्स बढ़ के वो अब नाइन हो गया, वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स हो गया। और बहुत बारी तो हम यही करते हैं कि जो पेन हमारे साथ घटता है हमारी लाइफ में, हम उसको जो है कारपेट के नीचे खिसका देते हैं, छुपा देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम अपने डीप अनकॉन्शियस में फेंक देते हैं। एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज टू कन्फ्रंट विद दैट पेन, टू डील विद दैट पेन। तो जब भी नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में आ रहा है वो हमें ये बताता है कि दैट देर इज़ अ पेनफुल सिचुएशन विच इज़ रिमाइंडिंग यू और विच इज़ काइंड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज इज यू नीड टू बी विद समवन हु इज़ लविंग अराउंड यू। दिस इज़ अ टाइम वेन यू नीड विद समवन हु कैन लव यू, हु कैन टेक केयर ऑफ यू। इस वक्त आप अकेले मत रहिए, इस वक्त जो है कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। इस वक्त आप जो हैं बहुत वीक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई जो है कोई लव वंस, कोई भी आप जो भी आपसे प्रेम करता हो वो अभी पास हो। अगर कोई नहीं हो सकता तो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इफ़ यू कैन जस्ट गो आउट, मे बी लिव विद अ फ्रेंड और टेक अ स्मॉल वेकेशन इफ पॉसिबल। अगर कुछ भी ना हो तो एक दो दिन के लिए होटल में जाके रह लिया। वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इज द सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज यू नीड टू गेट आउट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन इन विच यू आर लिविंग। मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स इज द सिचुएशन इन विच वी आर लिविंग, द सर्कमस्टांसिस इन विच वी आर लिविंग, द रूम इन विच वी आर लिविंग, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन मेनी टाइम्स।
तो उसको चेंज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसे बाहर निकलना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक नया विजन आपको दिखना शुरू होता है। वो जो एक भूत जो एक जो बैठा हुआ है जो आपको तंग कर रहा है, उस भूत से आपकी जो है मुक्ति होनी शुरू होती है। डिप्रेशन और कुछ नहीं, ये भूत से कम नहीं है, ये भूत ही है जो आपको जो है आपके अंदर घुस के जो है आपको तंग करता है। इसको अलाउ मत करिए, इस भूत को जो है अपने आप को ट्रबल मत करने दीजिए। मेक श्योर यू ब्रिंग लव एंड लाइट इन टू योर लाइफ। यही हमें जो है स्पिरिचुअल प्रोसेस समझाता है कि जब भी आप लोनलीनेस के अंदर जो है आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप जो है परेशान हो रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू कनेक्ट विद द गुरु। कनेक्ट, दिस इज़ द टाइम यू कनेक्ट विद समवन यू लव। दिस इज़ द टाइम यू कैन कनेक्ट विद योर पेरेंट्स और व्होएवर, यू नो, इवन इट कैन बी यू नो पेट इन योर हाउस। जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ दैट पेट, just express yourself. What is important is just release that grief which is kind of troubling you. That is what the nine of swords is kind of telling us. और nine of swords में अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, मैं बहुत टाइम से इसमें देखता था कि क्या हमें कुछ इसमें पॉजिटिव दिखता है, हालांकि हर कार्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। अगर आप nine of swords के अंदर देखेंगे तो उसका जो ब्लैंकेट है, उसके ब्लैंकेट में जो है there are planets. अगर आप उसकी क्विल्ट देखेंगे तो वो उसमें आपको जो है जोडियक साइंस दिखेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आपको जो है दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल साइन है कि दिस टू शैल पास। ये जो है कहीं ना कहीं दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिविंग अ होप कि ये दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज़ गोइंग टू चेंज। सो द नाइन ऑफ सॉर्ड kind of, you know, reminds us to love ourselves, to take care of ourselves, to pamper ourselves. जो problems हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो तो रहेंगी। What is important is कि you accept them, you start accepting them, you start being loving towards your own self and things will start changing. That is what the real message of nine of swords is. और जाते जाते एक ब्यूटिफुल कोट जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, ये कोट है चार्ल्स हेडन का। वो कहते हैं, एंग्जाइटी डज नॉट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सोरोज बट ओनली एम्प्टीज टूडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। क्या करता है एंग्जाइटी? एंग्जाइटी जो है आपका जो है कल खा जाता है, आपकी ये मूवमेंट खा जाता है, आपको जो है जो इस मूवमेंट में जो आपको जो एक लविंग एक एनर्जी मिल सकती थी, एक ब्लेसिंग मिल सकती थी, उससे डिप्राइव कर देता है। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू एक्नॉलेज इट एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द प्रॉब्लम इज। देर इज ऑल्सो अ सेइंग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सेइंग, द सेइंग इज सी द फियर, एक्सेप्ट द फियर, फील द फियर, बट टेक अ जंप एनी वेज। सो माई फ्रेंड्स, what is most important is to take a jump for the happiness, for the love, for the blessing of God. You don't deserve to be in this painful state. You don't deserve to be unhappy. Your very nature is to be happy. Your very nature is to elevate yourself, become God yourself. So with this I end my reading for you for nine of swords. I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one. Till then, be happy, be joyous and always celebrate. Thank you so much for watching. Namaste.